The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Sat Sri Akal, Adab. Main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. So, एक सवाल जो आप लोगों के मन में आता है कि अगर आपके माँ बाप इंटेलिजेंट, माँ बाप के मन में आता है कि अगर माँ बाप इंटेलिजेंट है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, बहुत दिमाग वाले हैं, टीचर है, तो क्या बच्चों में भी वो इंटेलिजेंस आएगा? क्या जेनेटिक्स आपके इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है या नहीं करता? इज योर इंटेलिजेंस जेनेटिक? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस क्या होता है. लाइक मोस्ट एस्पेक्ट्स आपके ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जैसे कि आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, आपका बिहेवियर है, वैसे ही इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो कि आपके ना सिर्फ जेनेटिक्स बल्कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, कहीं आपका फोकस उस चीजों के साथ अडैप्ट करने में तो नहीं रह गया, क्या आप कामली अपने इस इंटेलिजेंस के ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं. सो इंटेलिजेंस इज बेसिकली इट्स समथिंग जिसको स्टडी करना काफी मुश्किल है, बिकॉज इसको डिफाइन करने के लिए, इसको मेजर करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट मेजर तरीका मुश्किल है, राइट. सो ज्यादातर जो डेफिनेशंस होते हैं इंटेलिजेंस के, वो होते हैं कि आपकी एबिलिटी, कि आपकी आपकी क्षमता पढ़ने की, लर्न समझने की, और अपने एक्सपीरियंस को अपने अपने इन्वायरमेंट, बदलते इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने की, यानी सीखने की आपकी क्षमता कितनी अच्छी है. So, इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं. द एलिमेंट टू रीजन, किसी चीज के लिए सवाल पूछने की क्षमता, कोई चीज है उसे प्लान करने की क्षमता, कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की क्षमता, किसी चीज के बारे में एब्स्ट्रैक्टली सोचने की क्षमता, उसको तोड़ तोड़ के अच्छे से समझने की क्षमता, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने की क्षमता, इसको इंटेलिजेंस में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है. कई स्टडीज करके ये पाया गया कि भाई इस चीजों को मिला के कहा जाता है कि आपका इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, IQ क्या है, सुना होगा आपने. सो रिसर्च क्या कहती है, रिसर्चर्स ने कई स्टडीज की टू लुक फॉर कि जेनेटिकली ऐसी कौन सी चीज है जो इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करती है, और उन्होंने कई सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा ऐसे लोगों में जिनकी इंटेलिजेंस IQ जो फैमिलीज के अंदर है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट कि भाई अगर कोई अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, कोई एक जगह पे ट्विन है, तो उनके इंटेलिजेंस में चेंजेस कितने हैं, सेम एनवायरनमेंट में रहने वालों में चेंजेस कितने हैं. सो बहुत सारी स्टडीज इस प्रकार से हुई, और इन स्टडीज ने सजेस्ट किया कि जेनेटिक फैक्टर जो है अप टू 50% 50% तक डिफरेंस देता है आपके इंटेलिजेंस में, 50% तक उसका हाथ है जेनेटिक, आपके जीन्स का, ठीक है. उसके अलावा इसमें जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज की गई, जिसमें के डिटरमाइन किया गया कि भी अगर कोई ह्यूमन जीनोम के अंदर अगर पूरा देखा जाए, सो वेरिएशंस देखा जाए बहुत सारे लोगों के अंदर, उसके अंदर स्टडी करके देखा गया कि क्या कोई स्पेसिफिक एरिया है ह्यूमन जीनोम के अंदर जो सिर्फ IQ के साथ रिलेटेड है. इस स्टडी से लेकिन कोई कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ कि ये जीन है आपके अंदर है तो आप इंटेलिजेंट, नहीं है तो आप बेवकूफ, ऐसा नहीं निकल के आया. लेकिन इट इज लाइकली कि एक लार्ज नंबर ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व विच एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि एक एक जीन छोटा छोटा स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं आपके इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है. लेकिन साथ में जेनेटिक के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इन्वायरमेंट का और ऐसे फैक्टर्स का कि आपके चाइल्डहुड, बचपन से आपके घर में कैसा इन्वायरमेंट था, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई, आपको एजुकेशन अवेलेबल था कि नहीं, लर्निंग रिसोर्सेस अवेलेबल थे कि नहीं. अगर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसके पास में नॉलेज वाली चीजें ही ना आए, राइट, तो कैसे पढ़ेगा, है ना. अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन स्कूल ही ना जाए तो कैसे पढ़ेगा. तो बहुत सारी चीजें फैक्टर में आती है, राइट, लर्निंग रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन सही, डाइट मिल रहा है कि नहीं, उस बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है कि नहीं. अगर बॉडी फाइट ही कर रही है कि जीने के लिए, हमारे पास तो न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो वो लर्निंग पे कहां ध्यान देगा. सो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं टू यू और योर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस. एक बंदे के, एक पर्सन के इन्वायरमेंट पे, उसकी जीन्स पे कई चीजें इन्फ्लुएंस करती है, इन्वायरमेंट भी उसके जीन के इन्फ्लुएंस को और जीन के इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट दोनों को इन्फ्लुएंस करती है. और इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग कि आप इसको देखें कि भाई इस बंदे में इन्वायरमेंटल फैक्टर कितना है, जेनेटिक फैक्टर कितना है, ये देखना बहुत मुश्किल है. ये दो मेन चीज है. लेकिन वैरासम एक चाइल्ड का, एक बच्चे का IQ जो होता है, वो अगर उसके पेरेंट्स से सिमिलर है,
ये सिमिलैरिटी जेनेटिकली पास डाउन होती है, ये पक्का है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें फिर भी आएगा, लेकिन इट इज क्लियर कि बोथ इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर प्ले अ बिग पार्ट इन डिटरमाइनिंग योर इंटेलिजेंस। सो मेक श्योर कि आप अगर अपने बच्चों को सही इन्वायरमेंट देते हो तो आपके बच्चे भी आगे इंटेलिजेंट हो। आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ा माइंड में वो बात जगाई होगी कि हाँ जेनेटिकली फैक्टर है लेकिन इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपके इंटेलिजेंस के लिए। ऑलराइट, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ।